महिलाओं को नहीं मिलेगा खानदानी जमीन में कोई भी अधिकार, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अभी का है, 2024 का है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि खानदानी जमीन में महिलाओं को कोई हक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर महिलाओं को खानदानी जमीन में अगर हक चाहिए तो उसको सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। इसके अंदर, इस जजमेंट के अंदर 7 शर्तें बताई गई है, अगर उनमें से वो एक शर्त भी पूरा कर देती है तब उस महिला को खानदानी जमीन में हक मिलेगा, अदरवाइज उसको कोई हक नहीं मिलेगा। तो सारी शर्तें आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहली शर्त तो यह बता दी कि अगर उस महिला का उस खानदानी जमीन के ऊपर अगर कब्जा है तो फिर उसको हक मिलेगा, अदरवाइज उसको हक नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई ऐसी खानदानी जमीन है, कई बार क्या होता है, हमको खानदानी जमीन तो मिल गई और हम कहीं और रहने लग जाते हैं, फिर कहीं और शादी हो जाती है, तब ऐसे में हमारा उस संपत्ति से जो रिश्ता है वो बहुत दूर हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के अंदर बताया कि आपका कब्जा होना जरूरी है, अगर आपने उस संपत्ति के ऊपर कब्जा है, अपना पोजीशन जमा के रखा है, तो आपको खानदानी जमीन में हक मिलेगा, और आपका कब्जा ही नहीं है तो फिर बाय बाय टाटा। दूसरी बात बता दी, अगर वो संपत्ति आपने प्राप्त की है जैसे तैसे करके, यानी उसको खानदानी जो जमीन है वो आपने प्राप्त की है, कई बार क्या होता है जैसे कोई पापा है, उनकी 3 औलाद है, 2 भाई हो गया, 1 लड़की हो गई, अब ऐसे में क्या होता है, तीनों के नाम पे जो खानदानी जमीन है वो आ जाती है, अब वो अदला बदली भी कर लेते हैं, भाई इस देर वाला मेरे को दे दे, बदले में तो ये ले ले या वो ले ले, जो भी है अपनी जैसी भी साठगांठ करते हैं, उन्होंने अगर उस खानदानी जमीन को जैसे तैसे करके प्राप्त किया है तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर उसका हक उसको मिलेगा, और अगर उन्होंने प्राप्त ही नहीं किया तो उस खानदानी जमीन में से कोई हक नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो बताइए वो बताइए विरासत में, विरासत, अगर वो जमीन आपको विरासत में मिली है तो फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, उस पर आपका हक रहेगा, यानी कि उस महिला का हक रहेगा। लेकिन अगर आपको विरासत में मिली ही नहीं है और आप बता रहे हो मेरी खानदानी जमीन है, तो फिर आपका उसमें से कोई हक नहीं मिलेगा, यानी कि महिलाओं को कोई हक नहीं मिलेगा। सारी चीज़ है ना, मैं उसके जजमेंट के अंदर मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, दिखा भी दूंगा सबूत के तौर पर, और जिसको ये जजमेंट चाहिए उसको ये फ्री में जजमेंट मिल भी जाएगी, कैसे मिलेगी सारी बातें बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, क्या ये जो जजमेंट है सभी महिलाओं के लिए है, या फिर कोई ऐसी बहु महिला या फिर कोई बेटी महिला है उसके लिए, तो वो चीज़ें भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। चौथी चीज़ बता दी, पूरा केस भी आपको पढ़ा दूंगा। चौथी चीज़ बता दी, अगर उस खानदानी जमीन का अगर विल के थ्रू अगर वो प्रॉपर्टी मिली है, यानी कि वसीयत के थ्रू अगर वो प्रॉपर्टी आपका हक उसमें बनता है, तो फिर आपको उसमें हक मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको उसमें हक नहीं मिलेगा। और पांचवी बात बता दी, अगर उस खानदानी जमीन को आपने प्राप्त किया या फिर आपको वो जमीन मिली है, लेकिन वो मिली आपको भरण पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, तब ऐसी कंडीशन में भी क्या बनता है, आपका हक बनता है जी, भरण पोषण के मामले में। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, भरण पोषण का मतलब ये होता है, मान के चलो कोई बापू है, उसके पास खानदानी जमीन थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटा जो है वो भैया अपना मर गया, अब उसकी जो बहू थी, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे में वो जो दादा है, उन बच्चों का जो दादा है, वो क्या करता है, वो कुछ अपनी जमीन का हिस्सा उस बहू को दे देता है कि भाई तू अपना भरण पोषण कर ले, बच्चों को पाल ले, अपना पालन पोषण कर ले। अगर ऐसी कंडीशन है, यानी कि भरण पोषण के लिए वो जमीन मिली, भाई तू अपना पेट पाल लेना, इस जमीन को अपना उपचार करके जो भी है मेहनत करके, ऐसी अगर जमीन मिली है, वो जमीन का टुकड़ा मिला जो खानदानी जमीन थी, खानदानी जमीन का मतलब समझते हो ना, जो 4 पीढ़ियों से अपने को मिलती आ रही है, तब ऐसे कंडीशन में भी उसका क्या है, उस जमीन पे उसका हक है। लेकिन अगर इन 5ों में से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो उसका कोई हक नहीं बनता है। फिर छठी बात बता दी, अगर वो जो जमीन जो है वो गिफ्ट के थ्रू मिली है, यानी कि गिफ्ट दे दिया है कि भाई मैं अपनी जमीन जो है तेरे को गिफ्ट में कर रहा हूं, तेरे को गिफ्ट में कर रहा हूं, अगर वो उपहार के बदले जमीन मिली है तो फिर तो अपना हक है ही, फिर तो कोई छीन नहीं सकता है। और सातवीं बात, अगर हमने उस जमीन को क्या है, उसकी कीमत चुकाई, अगर हमने वो जमीन खरीदी है, तब ऐसी कंडीशन में भी क्या है, उस जमीन पे अपना हक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के अंदर 7 शर्तें बताई है भाई, ठीक है, अगर इन 7 शर्तों के तहत में कोई एक भी शर्त पूरी करता है तो उसको खानदानी जमीन में से उसका हक मिलेगा, लेकिन अगर कोई एक भी शर्त पूरी नहीं करता तो उसको खानदानी जमीन में से कोई हक नहीं मिलेगा। अब यह चीज़ मैं आपको इस जजमेंट के अंदर दिखा देता हूँ कहाँ लिखी हुई है, डायरेक्ट वहीं लेके चलता हूँ, कोई टाइम वेस्ट किए हुए आपका, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। और भाई यहां तक का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा ना तो प्लीज़ इसको लाइक कर ले, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर ले। मेरी टीम से या फिर मेरे से अगर आपको कोई भी संपर्क करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको वैसी जानकारी चाहिए तो मेरी टीम वाले वैसे भी आपको कानूनी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं, इसका एक पहरा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 24, इस 24 वाले में देखो, 24 आपका ये कहता है, 24 उपरोक्त निर्णयों के अनुपात के आलोक में देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्व स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला, ये देखो ये हिंदू महिला के लिए जी, पहली चीज तो ये हिंदू महिला न तो केवल संपत्ति के पास होनी चाहिए, समझोगे ना भाई, पास मतलब पहली कंडीशन तो उसके पास में
संपत्ति उसके पास में होनी चाहिए, नहीं उसके कब्जे में होनी चाहिए, बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होनी चाहिए, यानी कि प्राप्त, जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। और ऐसा अधिकरण या तो विरासत से, याद है, यानी कि या तो उसको विरासत से जमीन मिली हो, या विल से मिली हो, वसीयत से मिली हो, देखो चारों कंडीशन, या विभाजन के माध्यम से भरण पोषण या रख रखाव के लिए, भाई तो अपना पेट पाल लेना, अपने बच्चों का पेट पाल लेना अपना, ठीक है, जैसे कर्ण अर्जुन की माँ को मिला था, समझ गए होंगे, या फिर गिफ्ट में, या फिर गिफ्ट में मिली है, और या फिर क्या किया है, उस जमीन को खरीदा गया है। देखो सातों की सातों कंडीशन यहाँ पे बता दी, तब क्या होगा, उसको खानदानी जमीन में से उसका हक मिलेगा, अदरवाइज उसको खानदानी जमीन में से हक नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो जजमेंट है, क्या जो बेटियां होती हैं उनको खानदानी जमीन से रोकती है, या फिर जो बहुएं होती है क्या उनको खानदानी जमीन से रोकती है, अब उसके जवाब के लिए मैं आपको इसके जजमेंट के स्टार्टिंग के अंदर लेके चलता हूँ। ये केस था क्या, जब पूरा केस आप समझोगे ना, तब आपकी जो आपके डाउट है वो सब क्लियर होते चले जाएंगे, और ये समझ में आ जाएगा कि ये जजमेंट जो है किन लोगों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल एक डायग्राम बना के दिखाया है ताकि हर इंसान को ये जो है समझ में आ जाए। केस नंबर देखना चाहते हो, केस नंबर है, और मैं डायरेक्ट अब आपको लेकर चलता हूँ इस डायग्राम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा है। देखो, एक टाइम ऐसा था जब यह जमीन होती थी किशन लाल की, किशन लाल के दो बच्चे होते थे, एक बच्चा तो होता था मांगीलाल और एक बच्चा होता था ये माधवलाल। माधवलाल जो था 1929 में मर गया बिना अपने बच्चे को जन्म दिए। उस टाइम इसकी शादी तो हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी नंद कंवर बाई के साथ में, लेकिन जब ये मरा तब इसकी कोई संतान नहीं थी। फिर उसके बाद में इसका जो बच्चा हुआ वो हुआ कंवरपाल, कंवरपाल इसका बच्चा हुआ। अब ये जो इसने मुकदमा लगवा दिया नंद कंवर बाई ने कि भाई जो अब जो किशन लाल की जो जमीन थी दो हिस्सों में बट गई, क्योंकि दो भाई दो बेटे थे उसके, एक तो चलो मर गया, अब जमीन तो दोनों हिस्सों में आएगी ना। अब इसने मुकदमा लगा दिया कि खानदानी जमीन में से मेरे को हक दो। अब इसको डायरेक्ट हक नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता, बहुओं को खानदानी जमीन में से हक नहीं मिलता है। और इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट ना एक वीडियो बना के दिया था यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा तो ये वाली वीडियो देख लेना, जमीन बंटवारा कैसे होता है। इस वीडियो में 38 मिनट का वीडियो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा रखा है कि हमको जमीन का जो बंटवारा कैसे मिलता है, चाहे जमीन खानदानी हो, खरीदी हो, या गिफ्ट में मिली हो, कैसी भी प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने पूरी कोशिश की हुई है समझाने की, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये चैनल पर सर्च कर लेना, बहुओं को खानदानी जमीन में से हक नहीं मिलता है। तो फिर इसने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया, बच्चे का नाम था कैलाश चंद, इस बच्चे को गोद ले लिया, माधोलाल की मृत्यु के बाद गोद लिया, पहले नहीं लिया। तो अगर इसको गोद ले लिया, ये पत्नी किसकी है, ये माधोलाल की पत्नी है। अब ये बच्चा किसका होगा, ये भी माधोलाल का बच्चा होगा, क्योंकि इसने इसके बाद गोद लिया, तो बच्चे का तो खानदानी जमीन में से हक बनता है। अब इसको लेके हुए, अब जो केस चला है वो कैलाश चंद, और लास्ट में ये जो आ गया कंवरपाल, अब कंवरपाल का बेटा आ गया मुकुटलाल, और उसका बेटा आ गया कैलाश चंद। अब इन दोनों के बीच में जो मुकदमा था ये चलता आ रहा है जी, और ये देखो सारी चीज है ना यहाँ पे बता रखी है कि किशन लाल की मृत्यु के बाद हिंदू अविभाजित परिवार के संपत्ति के दो बेटों मांगीलाल और माधोलाल, जैसे मैंने आपको बताया था, उनमें बट गई। 1912 में मांगीलाल का निधन हो गया, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सारी चीज आपको बता चुका हूँ। करते 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 क्या हुआ था, नंद कौर बाई को क्या हुआ, मुकदमे की संपत्ति से बाहर भरण पोषण का अधिकार दिया गया था, जो 1959 में 1958 के अंदर जो सिविल सूट लगाया था ना, तब 1958 में कोर्ट ने कहा था कि भाई नंद कौर बाई तेरा हिस्सा नहीं बनता, तू बहू है, खानदानी जमीन में से तेरा हिस्सा नहीं है, हाँ लेकिन तू भरण पोषण कर सकती है, भाई तू तेरा भरण पोषण का अधिकार है। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर यही बताया है, खानदानी जमीन में से पत्नी का हक नहीं होता, पर उसमें रहने का अधिकार उसका होता है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है, पर वो जमीन उसके नाम पर नहीं आएगी। तो एक केस चलते 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 देखो इसकी सारी डेट आपके सामने आ जाएगी, ये सारी डेट। तो इस केस में हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। अब इस केस का जो निष्कर्ष निकाला सुप्रीम कोर्ट ने वो ये निकाला है कि बहू जो होती है ना भाई, बहू को खानदानी संपत्ति में से कोई हक नहीं मिलता है, ठीक है, कहाँ गया अपना, वो निकाल देते हैं, पत्नी को खानदानी संपत्ति में से कोई हक नहीं है पत्नी को, और उसका बेटा जो था वो उसके मरने के बाद उसने गोद लिया है, तो अब उसका भी उसके जमीन के ऊपर कोई हक नहीं बनता, लेकिन वो भरण पोषण अपना कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी खानदानी जमीन में से अपना हक दिखाना है, तो यानी कि या तो उस बेटे के कब्जे में वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में भी नहीं थी, या उसने प्राप्त की थी उसको प्राप्ति में भी नहीं मिली थी, ना उसको चीज विरासत में मिली है क्योंकि उसके मरने के बाद उसको गोद लिया गया, ना उसके नाम पे कोई विल है, ना उसका कोई भरण पोषण, ना गिफ्ट में, ना खरीदी है, कोई कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था ये कैलाश भाई, और उसमें उसको फिर इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर। कहाँ गया भाई, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो
परिणाम स्वरूप वादी द्वारा दायर राजस्व वाद 37/1979 खारिज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्लास ने लगाई थी तो इसकी जो एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया और कह दिया जो 24 नंबर पॉइंट था कि भाई संपत्ति का अधिकार सिर्फ उसी को मिलेगा जो ये 7 पॉइंट पूरा करता है। अब मैं आपको बेटी के लिए बता देता हूँ, क्या बेटी को हक मिलेगा नहीं मिलेगा? ये तो खैर पत्नी थी पर यह महिला थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये कहती है कि महिला को खानदानी जमीन में से हक नहीं मिलेगा अगर वो बहू है तो। क्या बेटी को? अब बेटी को देख लेते हैं कहां गया, अभी थोड़ा ऊपर चला जाए यार, पढ़ाने दे हमको। देखो मान के चलो ये कोई इंसान है, इसके 3 बच्चे हो गए, ये लड़का हो गया, ये भी लड़का हो गया और ये जो है ये लड़की हो गई, फिरोक से आप समझ जाओगे लड़की हो गई। इसके पास जो थी वो खानदानी जमीन थी, यानी कि इसके अपने दादा परदादा से इसको मिली हुई थी खानदानी जमीन, खानदानी। अब इसके अचानक डेथ हो जाती है तो उस खानदानी जमीन के जो वारिस हैं वो हमेशा बच्चे होंगे, पत्नी नहीं होती, इसकी पत्नी वारिस नहीं होती, ये इसके बच्चे इसके वारिस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वारिस हो गए तो उस जमीन के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक इसके नाम पे, एक इसके नाम पे, एक इसके नाम पे। अब एक हिस्सा बेटी के नाम पे हुआ है और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक कंडीशन क्या बताई थी, अगर जमीन विरासत में मिली है, ये होती विरासत में मिलना। अब यहाँ पे तो बेटी को तो विरासत में मिली हुई है तो बेटी का क्या है, हक है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करती है। बेटियों को इस जजमेंट के अंदर बाहर नहीं किया गया है, भले ही बेटियां प्रॉपर्टी से दूर है। ऐसा नॉर्मली होता है कि जो बेटी होती है, अगर भाई पिताजी की डेथ हो गई, खानदानी संपत्ति बेटे के हिस्से पे आई है, तो बहुत सारी बेटियां जमीन को नहीं लेके जाती है लेकिन अपने भाइयों के नाम पे भी नहीं करवाती, उसको लटका के रखती है, तब ऐसे में उस बेटी का हक है। यानी कि पहले वो जो नाम, जो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे चढ़ेगी ना, किसी के नाम पे रजिस्ट्री होगी तो बेटी के नाम पे ही होगी। हाँ, रजिस्ट्री होने के बाद वो अपने दोनों भाइयों को दे, एक भाई को दे या बेच के खाए, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो खानदानी जमीन यानी कि विरासत में मिलने के बाद बेटी का हक है लेकिन पत्नी को खानदानी जमीन में से हक नहीं मिलता है। तो वो जो नंद कंवर बाई थी ना, वो पत्नी थी उस केस में, तो पत्नी को खानदानी जमीन में से कोई हक नहीं है, ना उसको गिफ्ट में दी थी, ना उसने प्राप्त की थी, ना भरण पोषण के लिए उसको कोई जमीन का टुकड़ा मिला था। उन 7 कंडीशन में से उसने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की। तो ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये बात बताना चाहता है। अभी आपको मिलेगा कैसे, तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक करंट ट्यूब ऐप का लिंक मिल जाएगा, आईफोन वालों के लिए भी और एंड्रॉइड के लिए भी। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको इधर 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करते ही आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, फ्री मटेरियल के बाद आपको जजमेंट दिखाई देगी, वहाँ पे आपको सामने नज़र आ जाएगा कि महिलाओं का खानदानी संपत्ति में से कोई हक नहीं वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ से आप इसको आराम से पढ़ लेना, इसके काफ़ी सारे पॉइंट है भाई, मैंने सिर्फ आपको मेन मेन चीज़ें बताई, 33 पॉइंट है, ठीक है। तो पूरा केस भी आपको समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, तो मैंने कुछ मेन मेन चीज़ें बताई है, आप इसको आराम से पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा लगेगा, आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो मेरी टीम से संपर्क कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, वो आपको सारी चीज़ें समझा भी देंगे। तो थैंक यू माय डियर, उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। आगे किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख दें, हम आपके लिए कंटेंट जरूर बना के देंगे। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, देखो ये 7 कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको खानदानी जमीन में से हक मिलेगा, भले ही वो पत्नी हो, और बेटी को तो वैसे ही विरासत में जमीन मिल जाती है, तो बेटी को इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाहर नहीं किया गया, मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू माय डियर, और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है, कोई और पर्पज नहीं है भाई। थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।